तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का ऐलान किया है। इस बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास में साल के आखिर में आयोजित होगा। माना यह जा रहा है कि भारत के इस कदम से चीन में बेचैनी बढ़नी तय है। चीन के साथ लद्दाख में एलएसी पर भारी तनाव है। दक्षिण चीन सागर में भी हलचल तेज हुई है। इन सब के बीच ड्रैगन को साफ संदेश देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ जुटेंगी। 13 साल बाद ये मौका आया है जब चारों देशों की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास करेंगी। 2 चरणों में होने वाले मालाबार अभ्यास के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को चुना गया है। वहाँ इन चारों देशों की मौजूदगी से चीन में खलबली मच रही है। सोमवार को भारत ने घोषणा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी मालाबार युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगी। नवंबर में होने वाले इस युद्ध अभ्यास में अब कुल 4 देश यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हो गए हैं, जिन्हें क्वाड भी कहते हैं। चीन से पिछले 5 मई से चल रही सैन्य तनातनी के बीच भारत ने बीजिंग को एक बड़ा सामरिक संदेश दिया है। भारत और अमेरिका के बीच 1992 से चल रहे साझा मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी चौथे साझेदार के तौर पर शामिल कर चीन को साफ कर दिया कि राजनयिक स्तर पर 4 देशों का जो साझा राजनयिक मंच क्वाड के नाम से बन चुका है, उसका अब सैन्य मंच भी होगा। साल 2017 में इस जुड़ाव की दोबारा शुरुआत होने के साथ ही मालाबार अभ्यास में 3 देश भारत, अमेरिका और जापान शामिल होते रहे हैं। पिछले साल सितंबर में जापान के तट पर जबरदस्त युद्ध अभ्यास हुआ था। बीसीए को लेकर तेजी और क्वाड देशों का एक साथ आना सीधे तौर पर चीन को संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को अहम सुरक्षा चुनौती करार दिया था। 4 देश पिछले कुछ सालों से चीन से कहते आ रहे हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय सागरीय इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सागरीय कानूनों का पालन करें, लेकिन चीन लगातार इस विश्व व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के इलाकों पर भी चीन अपनी सैन्य ताकत के बल पर पूरा दबदबा स्थापित कर ले। चारों देशों के लिए जरूरी हो गया था कि वे एक साझा मंच बनाकर अपने सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें। भारत ने क्वाड में शामिल हर देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इससे उसे इन देशों के मिलिट्री बेसिस से संसाधन हासिल होते हैं। क्वाड देशों के रिश्तों में चीन की वजह से और निकटता देखने को मिली है। खास तौर से दक्षिण चीन सागर में जिस तरह ड्रैगन ने कब्जा बढ़ाना चाहा, उससे कई देश अब चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।